प्लेन में कॉफी क्यों नहीं ले जानी चाहिए? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अगर आप अपनी लगेज में कॉफी को कैरी करके एयरपोर्ट पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी सरदर्दी को ही बढ़ा लेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो भी चुका है। क्या बताऊं, असल में दोस्तों TSA के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप कॉफी को उसके ओरिजिनल पैकिंग या फिर किसी भी एयरटाइट कंटेनर में 350 ml या फिर उससे कम क्वांटिटी में कैरी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। क्यों, चलिए समझाता हूं। असल में दोस्तों इस दुनिया में बहुत से ऐसे केसेस हमें देखने को हर साल मिलते हैं जहां पर कुछ माफिया कुछ इलीगल ड्रग्स की स्मेल को दबाने के लिए अपने लगेज में कॉफी या फिर कॉफी बीन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉफी बेहद ही आसानी से इन तरीके की ड्रग्स की स्मेल को दबा देती है। और यही वो कारण भी है जिसके चलते हुए अगर आपके बैग में स्कैनिंग के दौरान कॉफी या फिर कॉफी बीन्स की मात्रा ज्यादा देखी जाती है तो सिक्योरिटी पर्पस से उस बैग को एडिशनल चेकिंग के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि अगर आप TSA के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके कॉफी को ले जा रहे हैं तो आपके लिए किसी भी प्रकार की सिरदर्दी नहीं है, लेकिन फिर भी एडिशनल चेकिंग में आपको 30 से 45 मिनट का वेट फिजूल में करना पड़ सकता है। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि जब तक काफी ज्यादा जरूरी ना हो इन तरीके की चीजों को अपने लगेज से दूर ही रखें।